आठवीं क्लास में पढ़ा था 20 मार्च 1967। बात चल रही थी बाप से वर्षा भी जरूर बच्चों को मिलना है। जो बच्चे बने हैं उनको वर्षा मिलना है और वर्षा भी स्वर्ग का मिलना है बाप से। माना जो स्वयं स्थिति में जाने का वर्षा है वो बाप ही आकर के देते हैं। उसके लिए हमको पावन जरूर बनना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। यहाँ तो याद की बात है, आशीर्वाद की बात नहीं है। आशीर्वाद भक्ति मार्ग में होता है। गुरु लोग आशीर्वाद करते हैं, बाप कहते हैं मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, मैं तो रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करेंगे तो स्वतः ही आशीर्वाद मिल जाएगा। मुझे बुलाते हैं पतित से पावन बनाने के लिए, इसके लिए राजाई देता हूँ तो मुझे याद भी करो। टीचर कोई आशीर्वाद थोड़े ही करेंगे कि तुम पास हो जाओ। आशीर्वाद करने से पास हो जाए फिर कोई पढ़ाई ना पढ़े। कृपा आशीर्वाद ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मुझे तो बुलाते ही हैं पति से पावन बनाने के लिए। और इसके लिए राजाई देता हूँ। टीचर कोई आशीर्वाद थोड़े ही करेंगे कि तुम पास हो जाओ। ये सब अक्षर फालतू है। कृपा कोई होती नहीं है। यहाँ तो हर बात में पुरुषार्थ चलता है। सन्यासियों से तो वर्षा मिलता नहीं है। वर्षा मिलता है एक तो हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। तुम जानते हो कि तुमको निश्चय है कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। आधा कल्प इसी बाप को याद किया जाता है। तो इसमें आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं है। लौकिक बाप तो है पतित, वो पतित अपने का ही वर्षा देंगे। और ये बाप तो आते हैं पति से पावन बनाने के लिए। तो अब याद करना बच्चों का काम है। याद से ही तमो से सतो बनते हैं और तमो से सतो बनने में मेहनत है। मेहनत बिना तो कुछ होता भी नहीं है। बच्चे जो आधा कल्प से देह अभिमानी रहे हैं तो अब उन्हें देही अभिमानी बनाया जाता है। तो प्रैक्टिस कराई जाती है कि 63 जन्म देह को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी, अब एक जन्म में आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस करो। तो कहते हैं चलते फिरते भी आपको याद करो। ये मूल बात है। बाप खुद कहते हैं मैंने सारी इस बात में याद में ज्ञान भी सिर्फ ज्यादा काम नहीं आता है। ज्ञान याद ही मुख्य है।
योग है तो ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। यहाँ ज्ञान धारण रतन धारण करेंगे तो वहां जन्म जन्मांतर धनवान बनेंगे। ये सूक्ष्म ज्ञान रतन ही वहां के स्थूल रतन बन जाएंगे। और यहाँ जितना याद में रहेंगे वहां हेल्दी बनेंगे। जन्म जन्मांतर के हेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, सारी मेहनत और कठिनाई याद में है। इसलिए पुरुषार्थ हरे को इसी बात का करना है, स्मृति रखनी है। बाबा समझाते हैं कि याद नहीं कर सकते हैं तो माया बुद्धि का योग उड़ाई देती है। माया के तूफान अनेक प्रकार के आते हैं और याद में सब कच्चे हैं। कहते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ, ये तो नहीं कहते हैं कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। पावन भी बने और फिर ज्ञान भी हो, दोनों ही बातें हो तो बहुत अच्छा है। एक बात में भी अगर ढीले होंगे तो पद जरूर कम हो जाएगा। तो याद चाहिए और याद के लिए ज्ञान भी चाहिए, इसकी ही प्रैक्टिस चाहिए। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया, देही अभिमानी बने बिना और विकार नहीं टूटेंगे। योग में रहने बिना चाल भी कब नहीं सुधरेगी। याद से ही पावन बनेंगे, बुलाते भी हैं पतित पावन को। सन्यासियों को थोड़े ही कहते हैं कि पतित से पावन बनाने के लिए आओ। बाबा सर्विस करने वालों की सराहना बहुत करते हैं। गुप्ता ने बहुत अच्छी सर्विस की है, बाबा के दिल पर चढ़े हैं। और सर्विस करने वाले ही तो दिल पर चढ़ेंगे, इसकी बात हुई। गुप्ता की, कहाँ का गुप्ता? बनारस है। एक तो गुप्ता हद के बनारस का और एक है बेहद का बनारस, जहाँ बना बनाया रस मिलता है ज्ञान का। तो गुप्ता भी बेहद का और बनारस भी बेहद का। तो बोला गुप्ता ने बहुत अच्छी सर्विस की है। जो अच्छी सर्विस करने वाले होते हैं उनकी सराहना की जाती है, दिल पर चढ़े हुए हैं और सर्विस करते रहेंगे तो दिल पर चढ़े रहेंगे। याद की यात्रा जरूर चाहिए, उससे ही सतो प्रधान बनेंगे। जितनी सजा जास्ती खावेंगे तो पद कम हो जाएंगे। क्यों सजा जास्ती क्यों खावेंगे? क्योंकि याद की मेहनत नहीं करते हैं, पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। पाप रह जाते हैं तो सजाएं खानी पड़ती हैं। और जितनी जितनी सजाएं खानी पड़ेंगी उतना पद भी नीचा हो जाएगा।
इसको कहा जाता है घाटा। ये भी व्यापार है, घाटे में नहीं जाना चाहिए। बाबा तो बच्चों की उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते रहते। अब जो बच्चे चाहे करे, न चाहे तो न करे। करेंगे तो पावेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पावेंगे। है तो अभी दुनिया में शैतानी राज्य, शैतानी राज्य में यथा राजा तथा प्रजा। और तुमको तो परिस्तानी बनना है, तो परिस्तानी बनने के लिए गुण भी वैसे ही धारण करने पड़े। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 21 मार्च 1967 का। रिकॉर्ड चला है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? जरूर रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। कौन सी रात? अज्ञान की रात। ब्रह्मा की रात गाई हुई है, तो जो ब्रह्मा की रात है उसको दिन बनाने वाला कौन? ब्रह्मा साकार में है, साकार को समझाने वाला भी कैसा चाहिए? साकार चाहिए। तो ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला जरूर बेहद की सृष्टि का बाप है। बेहद के दो बाप हैं, एक निराकार और दूसरा साकार। और आना भी संगम पर पड़े। अभी तो बच्चे जानते हैं कि बाप आया हुआ है, आना पड़े। आ गया है कि आना पड़े? आना पड़े, आना पड़े। आ गया है, कौन आ गया है? बाप, बाप। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप आ गया है, या बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है वो बच्चों की नजरों में आ गया है और परमानेंट आ गया है, या अभी अभी आया, अभी अभी उड़ गया? परमानेंट आ गया है। अनिश्चय बुद्धि बच्चे तो नहीं बनते हैं, माया वायलोरा तो नहीं डालती है, हिलाती नहीं है, घुमाती तो नहीं है। पहले हम सूत्र वर्ण के थे, सूत्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र यहाँ पर नहीं है। बच्चे सुनते हैं कि ये चित्र मधुबन में होना चाहिए। समझाने के लिए वर्णों का चित्र बहुत अच्छा है। जानते हैं कि हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं? जो सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं कि मधुबन में ये चित्र नहीं है तो भेज देना चाहिए, मुख्य चित्र है। बच्चे जानते हैं कि अभी हमको परमपिता परमात्मा ने सूत्र से आकर के ब्राह्मण बनाया है। आकर के क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया है। देवता अभी तक देवता नहीं बनाया है। कल्प 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 के संगम युग में हम ब्राह्मण बनते हैं। 3 कल्प लगाए। क्यों? सती की शूटिंग का कल्प, त्रेतायुगी शूटिंग का कल्प और द्वापर युगी शूटिंग का कल्प।
हरि युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं माना एक कल्प, तो तीन कल्प में तीन बार जैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते, हर युग के आदि में ब्राह्मण और हर युग की शूटिंग के अंत में शूद्र। अभी तीन कल्प पूरे हो चुके। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची और बिगाड़ी, फिर रची फिर बिगाड़ी, फिर रची फिर बिगाड़ी, तो कहाँ की बात हुई? संगम युग में जो चार युगों की शूटिंग होती है, उन चार युगों की शूटिंग में तीन बार सृष्टि रची और तीन बार बिगाड़ी। तो अभी हमको पता पड़ा है कि बाप ने हमको आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे क्या? पुरुषोत्तम माने जो भी पुरुष हैं, पुरी माना शरीर, शरीर रूपी पुरी, स माना सेते, जो शरीर रूपी पुरी में सोती है, आराम करती है आत्मा, कोई बेआरामी नहीं, निश्चिंत रहती है, निश्चिंत माना निश्चय बुद्धि, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। क्षीर सागर में पुरुषोत्तम नारायण को बड़े आराम से सांपों की सैया पर पड़े हुए दिखाया गया, कोई चिंता नहीं। तो अभी हम ब्राह्मण बने हैं या पुरुषोत्तम बने हैं? ब्राह्मण बने। अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहती है, कोई न कोई चिंताएं बीच बीच में खाती रहती है। तो अभी हम ब्राह्मण बने हैं, पुरुषोत्तम नहीं बने। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे, ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने का। पति से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते रहते हैं। क्या अवस्थाएं ऊपर नीचे होती है, खुद अपने को एक रस नहीं बना पाते हैं, अवस्था ऊंची नहीं चढ़ पाती है, तो क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? बाप को बुलाते रहते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हैं? जो पुरुषोत्तम बने होंगे वो बाप को बुलावेंगे क्या? पुरुषोत्तम माना देवता, देवताएं बाप को नहीं बुलाते। जो पुरुषोत्तम नहीं बने हैं, पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं, संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता, अधूरे ब्राह्मण हैं तो बुलाते रहते हैं। तो अपन से पूछो, क्या पूछो? हम कहां तक पुरुषोत्तम बने हैं? स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं देवता बनने के लिए, ये अमूल्य जीवन है, क्योंकि तुम इस ही जीवन में ईश्वरीय संतान बनते हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखाए रहे हैं,
पतित से पावन बनाए रहे हैं। पावन देवता तुम्हें बनना है ना। तुम बच्चे जानती हो कि कल्प कल्प हम ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनते हैं। तो वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। जब से शंकराचार्य आए द्वापर के अंत में, तब से सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो 84 जन्म लेने की बात ही नहीं। इस्लामी बौद्ध आदि भी समझेंगे कि हम भी 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम जन्म लेते हैं। तुम्हारे समझाने से वो झट समझ जाएंगे। उन दूसरे धर्म वालों को झाड़ के चित्र पर समझाना चाहिए तो उनकी जल्दी बुद्धि में बैठेगा। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते रहते हैं, और जो सन्मुख बैठकर नहीं सुनते हैं, टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं, कागज की मुरली से सुनते हैं, तो उनकी बुद्धि उतनी रिफ्रेश नहीं होती है। तुम्हारी तरह और बच्चे भी आते हैं यहाँ रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाप रिफ्रेश करते हैं। ये ऐसी ऐसी धारणाएं करो, बुद्धि में यही ख्याल आ चलती रहे कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, फिर कैसे कैसे शुद्ध से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा की संतान माना ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कहाँ से आवे? बाप बैठ समझाते हैं कि हम ही आकर के दादा का नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो सब फैमिली हो गई तो जरूर एडाप्टेड हो गए। और कौन एडाप्ट करता है? ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। एडाप्ट कौन करता है? बाप। बाप तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो एडाप्ट कैसे करता है? लौकिक में भी बच्चे को गोद लेते हैं, कोई और का बच्चा गोद लिया जाता है, तो बाप बच्चे को गोद लेकर के माँ के गोद में डालते हैं, तो कहते हैं एडॉप्शन हुआ। यहाँ तो बाप आते हैं परम धाम से, वो तो ज्योति बिंदु है, तो बच्चों को कैसे एडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। पहले प्रजापिता के तन में प्रवेश करते हैं और प्रजापिता के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो उनको बाप ही कहा जाता है जो अडॉप्ट करते हैं, उनको दादा नहीं कहा जाता है। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत बाप से मिलती है। कोई नाना चाचा मामा काका बरादरी वालों से नहीं मिलती। कोई तो चाचा मामा काका बरादरी वाले भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया था
एक बच्ची किचरे के डब्बे में पड़ी थी, वो कोई ने उठा करके कोई को गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई तो उन्हीं को माँ बाप कहने लग पड़ी। यहाँ तो बेहद की बात है। क्या बेहद की बात हुई? तुम बच्चे भी इस कचड़ पट्टी की दुनिया में पड़े हुए हो। तो कोई ने कचड़ पट्टी की दुनिया से उठाकर गोद में दे दिया, तो मीडिया बनाना, ये विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए थे, वैश्यालय में किचड़ा ही तो होता है, कितने गंदे बने हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर इस किचरे के डब्बे से निकाला और तुमको एडॉप्ट किया, तमो प्रधान को किचरा ही तो कहेंगे, आसुरी गुण वाले मनुष्य है ना। देह अभिमान, काम, क्रोध, ये कितने बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज से निकल करके गुलगुल देवता बनने के लिए आए हो। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज है, बड़े किचड़े के डब्बे में पड़ी हुई है। बाप आकर के तुम बच्चों को किचड़े से निकाल करके अपना बनाते हो, परंतु कोई कोई किचड़े में रहने के लिए ऐसे हिरे हुए हैं कि उनको निकालो फिर भी उनको कचरा ही अच्छा लगता है। जैसे नाली का कीड़ा होता है, नाली में से निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप में रख दो तो क्या होगा? खेल खलास हो जाएगा, तिल मिला के मर जाएगा और नाली की तरफ ही रंग जाएगा। तो ऐसे हिरे हुए हैं किचरे में, जो निकालो फिर भी उनको किचरा ही अच्छा लगता है। बाप तो आकर बेहद के किचरे से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि हे बाबा आकर के हमको गुलगुल बनाओ। कांटों के जंगल से निकाल करके फूल बनाओ। हे खुदा हमको बगीचे में बिठाओ। अभी तो हम आसुरों के जंगल में पड़े हुए हैं। बाप तुम बच्चों को ले जाते हैं, शूद्र से हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी बनती है, ब्राह्मणों की तो कोई राजधानी होती नहीं है। बल तुम्हारा नाम पांडव है, परंतु पांडवों की कोई राजा ही नहीं होती है। अभी तुम पांडव राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हो। ये बेहद की रात पूरी हो करके अब बेहद का दिन शुरू होता है। इक्कीस 367 की वाणी का दूसरा पेज। तो जो बेहद का दिन सवेरा शुरू होता है, तो अभी कौन आया है सवेरे सवेरे? आते हैं रात को बिठा करके दिन बनाने के लिए।
स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने के लिए। स्वर्ग रूपी सवेरा करते हैं और नरक रूपी रात को खलास कर देते हैं। ये बात भी बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे, बुद्धि में न बैठने के कारण फिर खुशी नहीं होती। खुशी नहीं रहती है तो बच्चे कब कब आसुरी स्वभाव दिखाते हैं। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की तो बहुत दिल से सेवा करनी चाहिए, हड्डियां भी इस यज्ञ में स्वाहा करनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि हम जो चलन चलते हैं उस चलन से इतना ऊंच पद पावेंगे। अभी बच्चे बेसमझ तो नहीं है, समझ सकते हैं कि राजा कैसे बनते हैं और प्रजा कैसे बनती है। कैसे बनते हैं राजा? सेवा करते हैं तो राजा बनते हैं, सेवा नहीं करते हैं तो प्रजा बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, जो राजाओं के दास दासियां होती हैं उनको भी सुख तो बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि वो तो राजाओं रानियों के साथ ही रहती है, परंतु कहलाती है दासी। जो राजा रानी खावेंगे वो दास दासी को भी मिलेगा। सुख तो होता है ना। जो राजा रानी के घर में खाने को मिलेगा वो प्रजा वालों के यहाँ थोड़े ही मिलेगा। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई तो श्रृंगार करने वाली होती है, कोई बच्चों को संभाल करने वाली होती है, कोई फिर झाड़ू आदि लगाने वाली होती है। इसे नरक की दुनिया के राजाओं को ही इतनी दास दासियां थी तो वहां तो कितनी ढेर होंगी। सब पर अलग अलग अपनी अपनी चार्जेस होती है। अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। रहने का डिपार्टमेंट सबका अलग अलग होता है। जैसे कि क्वार्टर्स में सर्वेंट रहते हैं, कोई भी आवेंगे तो पहले सर्वेंट को बताना पड़े। अंदर आवेंगे जरूर, परंतु रहना तो सर्वेंट्स क्वार्टर में ही होगा ना। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि अभी अपने पर ही रहम करो, नहीं तो दास दासियों में सल रहना पड़ेगा। దాస్ 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 దాస
हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। सो भी हो सौभाग्य, बाद में फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग तो बहुत कल्याणकारी है और तुम्हारी तो हर बात में कल्याण भरा हुआ है। कोई भंडारे में रह करके भी सेवा करे, भोजन बनावे, तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। श्रीनाथ द्वारे पर भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही शांति में रहकर भोजन बनावेंगे। श्रीनाथ की ही याद रहती है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहती है, तुमको तो फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसे भक्ति होती है जो कि बात मत पूछो। वृंदावन में दो बच्चियां पूरी भक्त हैं। कहती हैं बस हम तो यहाँ ही रहेंगे कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छा मकान में चल करके रहो, ज्ञान ले लो। बोलती हैं हम तो यहीं रहेंगी। तो उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि। वो कृष्ण पर बलिहार जाती है। क्या बताया, भक्त शिरोमणि कौन हुए? जो कृष्ण में ही रहना चाहते हैं, कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में। बेसिक वालों को कहो कि भगवान बाप आया हुआ है। कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कहा जाता, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वो भगवान नहीं है, तो सुनेंगे भी नहीं। क्या करेंगे, वो अपनी ही भक्ति में मस्त रहेंगे। तो अभी तुमको बलिहार जाना है बाप के ऊपर। वो कृष्ण के ऊपर बलिहार जाती है और तुम बाप के ऊपर बलिहार जाते हो। कृष्ण से कोई वर्षा नहीं मिलता है और बाप से तो वर्षा मिलता है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने बलिहार गए, आदि में बलिहार गए तो अंत में नहीं जावेंगे क्या? जो आदि में सो अंत में, ढेर के ढेर आए। जब भारत में आए तो बहुतों को अपना घर याद आने लगा, तो फिर कितने चले गए? 250 आए थे। कहाँ से? कराची से। पाकिस्तान से भारत में। बाकी कितने रह गए? 75 रह गए और बाकी सब चले गए। वो भी लेना लिस्ट निकाल करके देखनी चाहिए कि 250 जो कराची से आए थे उनमें कितने 75 रह गए। बाबा के पास तो विशाल बुद्धि नहीं है। ग्रहचारी बहुतों पर आती है। कब कैसी दशा बैठती रहती है। तो बाबा ने समझाया कोई भी आते हैं
तो उनसे पूछो कि यहाँ कहाँ आए हो। बाहर में तुमने बोर्ड देखा ब्रह्म कुमारी का? बाबा ने समझाया, कोई भी आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो। बाहर में तुमने बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमार कुमारी का? तो जरूर ये ब्रह्मा कुमार कुमारी परिवार है। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार के तो निराकार ही बच्चे होंगे। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार, ज्योति बिंदु आत्मा वो भी बाप है आत्माओं का, वो तो निराकारी दुनिया हो गई। वहां परिवार की बात नहीं, परिवार में होते हैं माता पिता, तो वो निराकार साकार में प्रवेश करके माता पिता बनते हैं। तो ये परिवार है, तो एक है ब्रह्मा और दूसरा फिर प्रजापिता गाया हुआ है। क्या बच्चे पहले किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो पहले जो परिवार बना दूध मोए बच्चों का, वो माँ तक सीमित होता है। बच्चे बड़े होते हैं तो माँ फिर वो बाप का परिचय देती है। तो यहाँ माँ भी है और बाप भी है। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता था, लेकिन आदि की बात कोई को बच्चे को पता नहीं पड़ती। अंत में बच्चे बड़े होते हैं तो पहचानते हैं। तो एक है ब्रह्मा जिसमें निराकार परमपिता परमात्मा आते हैं, माँ का पार्ट बजाते हैं, और दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। हम सब उसके बच्चे हैं। किसके? प्रजापिता ब्रह्मा उसके बच्चे हैं, इसके नहीं। क्या किसके बच्चे हैं? बच्चा बाप का होता है, किसका बच्चा कहा जाता है? बाप का बच्चा कहा जाता है। कोई बच्चा कहे हम अम्मा के बच्चे हैं, अम्मा का नाम बताए, तो अच्छा नहीं समझा जाता। तो हम उसके बच्चे हैं। हमारा डाडा है शिव बाबा, वो हमारा बाप है प्रजापिता, और डाडे है शिव बाबा। हमको वर्षा उनसे मिलता है, वो हमको राय देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जावे। कल अब पहले भी ऐसे ही राय दी थी, तो देखो कितनी ऊंच पढ़ाई है। ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में बैठती है क्या? ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में बैठती है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि में, इनकी बुद्धि में नहीं बैठती। इनकी माना ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठती कि हम इसी जन्म में बाप से वर्षा लेते हैं। विश्व की बात सही कर, तुम्हारी बुद्धि में ये पढ़ाई बैठती है, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठती। कौन उनकी? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायण और उनकी प्रजा बनते हैं, उनकी बुद्धि में भी ये बातें बैठती नहीं है।
उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि हमको मनुष्य से देवता बनना है इसी जन्म में, तो जरूर मेरे में दैवी गुण होने चाहिए, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, क्या देवी गुण बताया? थोड़ा खाते, देवताएं थोड़ा खाते हैं और असुर बहुत भोजन खाते हैं, ये अंतर क्यों पड़ता है? नहीं, जितना ज्यादा विकारी होगा उतना ज्यादा भोजन करेगा। देवताएं निर्विकारी होते हैं, इसलिए उनको भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता है। उन देवताओं में कोई भी प्रकार की हवस नहीं रहती है। बंद नहीं करें, भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, बातचीत कम हो जाएगी। खाना भी कम हो जाएगा, हाँ तो उनकी हलन चलन भी कम हो जाएगी। छत्तीस प्रकार के भोजन पहले बनाते थे, पहले देखो तुम्हारी भूख कितनी कम थी, कराची की बात बताई, कितना जरा सा खाते थे। तो देखो खान पान की हवस रखना, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। तुमको देवी गुण धारण करने हैं, तो खान पान बड़ा शुद्ध है और साधारण होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो कि एकदम इन बातों में पत्थर बुद्धि बनाई देती है, फिर तो उनको पद भी ऐसा ही मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ावेंगे तो तुमको ही वजीफा मिलेगा। बाबा वजीफा नहीं लेते हैं, तुम आप ही अपना पुरुषार्थ से अपना पद पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि हम कहां तक सर्विस करते हैं और हम क्या बनेंगे। इसी अवस्था में अगर शरीर छूट जावे तो हम क्या बनेंगे। बाबा से आकर कोई पूछे तो बाबा झट बतावेंगे। इक्कीस तीन सड़सठ की वाणी का तीसरा पेज, कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जो होंगे वो जरूर अच्छा पद पावेंगे। अंदर में उनको पता रहता है, अंदर से समझते हैं कि ये दास दासियां बनेंगे, परंतु बाहर से कुछ कह नहीं सकते हैं। स्कूल में भी जो फोर्थ स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं कि हम सीनियर बनेंगे या जूनियर बनेंगे। दास दासियों में भी कोई सीनियर होती है कोई जूनियर होती है। सीनियर दास दासियों का मर्तबा ऊंचा होगा,
झाड़ू लगाने वाली दासी को कब अंदर आने का हुक्म नहीं होगा? इन सभी बातों को अभी समझ सकते हैं, और जब पिछाड़ी होगी पुरुषार्थ की तो अच्छी रीति समझ जावेंगे। तो देखो, ऊंच बनने वालों का रिगार्ड रखना पड़ता है। जैसे देखो, कुमार का है वो सीनियर है, तो हद की कुमार का सुन करके फूल गई। वेद का बाप वेद के बच्चों से बात करते। कुमार का मतलब क्या हुआ? जो अपने जीवन में अंत तक पुरुषार्थ में कुमारी बन करके रहे, वो ही कुमार का। तो कुमार का सीनियर है तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ करने वालों में जो शरीर छोड़ जावेंगे वो सीनियर होंगे, या जिनका शरीर रहेगा और शरीर रहते रहते इसी जन्म में नारी से लक्ष्मी बनेंगे वो कुमारी का सीनियर है। जो नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करे, पढ़ाई पढ़े, इसी जीवन में प्राप्ति करे, वो सीनियर कुमार का की बात है। तो जो जूनियर है पढ़ाई में, धारणा में, उनको सीनियर का रिगार्ड रखना चाहिए। जो महारथी होते हैं पुरुषार्थ में, उनका रिगार्ड नहीं रखते हैं तो अपने ऊपर ही पापों का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में दिलाते हैं। बहुत खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखा जाता है ये बातें भी कोई नहीं जानते, समझते नहीं है कि ये हमारे से ऊंचे है, अपने ही अहंकार में रहते हैं क्या? तो जो ऊंच पुरुषार्थी हैं, हमको उनका रिगार्ड रखना चाहिए। कोई तो ऐसे हैं जो मैनर्स सीखते ही नहीं, सुधरना ही जैसे कि उनका मुश्किल हो गया है। गारंटी करके आए हैं कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं, और बाबा तो हर एक को अंदर से जानते हैं। किसको सीधा कहे तो फिर ट्रेटर बनने में देरी नहीं करेंगे। ट्रेटर बनते हैं तो कुमारियों माताओं आदि पर बंधन आ जाते हैं, फिर उन माताओं कन्याओं को सहन करना पड़ता है। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं कि बाबा हमको बहुत तंग करते हैं, हम इस बंधन से कैसे छूटें। पुरुष तो कोई एक दो होंगे जो कहेंगे कि हमको अंदर में दिल होती है, बाहर में आकर के कहेंगे बाबा हमको शादी के लिए बहुत तंग करते हैं। कोई कमजोर कुमार होते हैं तो ऐसे कहते हैं। अरे इसमें हम क्या करें, तुम कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हो जो कान पकड़कर तुम्हारी शादी कर देंगे।
जबरदस्ती करेंगे? क्या करना चाहिए? कुमार हैं, घर में शादी करते हैं, माँ बाप जबरदस्ती करते हैं, तो क्या करें? बाबा कहते तुम कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हो, क्या करें? शेर बन के चीड़ फाड़ के खा जाए शादी कराने वालों को? अरे बकरी डर जाती है, बेड़ा आता है तो बकरी डर जाती है, बेड़ा उसे पकड़ लेता है। तुम कोई बकरी थोड़े ही हो, भाग जाओ। जरूर तुम्हारी दिल में अंदर में बित हो रही है शादी के लिए, इसलिए तुम आकर बाबा से पूछते हो कि बाबा हम क्या करें। तो बाबा भी कहेंगे भल शादी करो। तुम पूछते हो इसका मतलब तुम्हारी दिल है। तुम रह नहीं सकेंगे इस बात में, तो पूछने की भी दरकार नहीं इस बात में, शादी की बात में, क्योंकि पहले ही बता दिया शादी बर्बादी। जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, तो जो चाहो सो करो। पूछना माना तुम्हारी दिल है, मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नंबर वन पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसे तो कोई कह नहीं सकते हैं कि हम मम्मा से भी ज्यादा होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी, बाकी रहा योग। क्या ज्ञान में तो तीखी थी लेकिन याद में है? याद में कमजोर होते हैं तो शारीरिक भोगना भोगनी पड़ती है। कोई न कोई कारण तो होता है ना, ये भोगना क्यों भोगनी पड़ी? मम्मा को क्या भोगना भोगनी पड़ी थी? ब्लड कैंसर, कैंसर हो गया था तो शरीर छोड़ना पड़ा। बल ज्ञान में तीखी थी परंतु नारी से लक्ष्मी उसी जीवन में नहीं बन सकी। तो ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं, योग से ही विकर्म विनाश होते हैं और सत्व प्रधान बन सकते हैं। जरूर योग की कमी थी, योग की कमजोरी थी। बल ड्रामा कह करके शांत हो जाते हैं, नहीं था मुरलियां तो यही थी। जिन मुरलियों से एडवांस नॉलेज निकली है वही तो मुरलियां थी कि कोई दूसरी मुरलियां थी? लेकिन समझाने वाला
यकी के आदि में ब्रह्मा ने समझाने वाले को ठुकराया होगा। बच्चों के मोह में आकर के तो ब्रह्मा का जो मुख्य फॉलोअर है कौन? मामा। तो वो भी मुगालते में गई। అర్థం చేయించగలవాడికి ఒక సంబంధం, వీళ్ళకి ఇవన్నీ ఏం అర్థం కాలేదు. ఆయన లేడు, తర్వాత వీళ్ళంతకు వీళ్ళు పెద్దలైన తర్వాత వీళ్ళు తెలియదు వదిలేశారు. ఈ అసలు జ్ఞానం అర్థమే కాదు. అనుభవించింది శరీరం కొంత. बाद में ब्रह्मा बाबा को समझ आया मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद या छोड़ने के टाइम कि बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ नहीं लिखना चाहिए, प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करना है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं लिखना चाहिए, ब्रह्मा मुखिया नहीं है। कौन है मुखिया? प्रजापिता मुखिया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। लेकिन उस समय तो मम्मा शरीर छोड़ गए।